हमने पहले बात की थी, धारा की, धारा और राधा। धारा ऊपर से नीचे आती है, राधा ऊपर से नीचे आती है। हमारे बीच में राधा बहन चाहिए, लखनऊ तुम्हारी संचालिका है, दिव्य मुस्कान से युक्त है। आप ध्यान से सुनिएगा, आंखों में आंखें मिला कर हम बहन जी की अलौकिक वाणी को सुनिए, आनंद से ओतप्रोत होइएगा, मजा तक आएगा। बस अपना घड़ा सीधा रखना है, उल्टा नहीं रखना है। पेंदा टूटा ना हुआ वो विचार आपके दूसरी तरफ ना भटक रहे हैं, फिर देखिए आनंद और प्रेम की कैसी अनुभूतियां होती हैं आपको। तो आपकी स्वीकृति है, परमिशन है, इजाजत है, आइए। ओम शांति। आज के सभा में मंच पर आसीन, मंच की शोभा, प्रभु के विशेष रतन, आदरणीय क्षेत्रीय हमारी वरिष्ठ दीदी विद्यादेवी, धर्माचार्य, योगाचार्य, वास्तुविदा और सामने में सभा में देख रही हो उस ज्ञान सागर परमात्मा जिनको ज्ञान सूर्य कहा गया है, उस ज्ञान सूर्य के मुझे भिन्न भिन्न ज्ञान के सितारे दिखाई दे रहे हैं। हर एक सितारे की अपनी चमक है, हर एक सितारे की अपनी विशेषता है, क्योंकि जब धर्म काल की गणना होती है, भविष्य के बारे में बताया जाता है, वास्तुविद के बारे में बताया जाता है, सब की निगाह ऊपर की ओर दिखती है। काल गणना करते हैं, उन सितारों की दुनिया को देखते हैं। क्या आप भी ऐसे इस धरती के सितारे नहीं हो? ना उम्मीद को उम्मीद जगाकर, जीवन की राह दिखाकर, आने वाले अनेक अड़चनों को, अनेक बाधाओं को अपनी शुभ कामनाएं, शुभ विधियां बताकर जीवन के सफर को एक सुंदर खुशनुमा जीवन बनाने की प्रेरणा देने वाले महान विभूतियां आज भारत के कोने कोने से आकर एक जगह एकत्रित हुए हैं। तो यहाँ हम लोग अध्यात्म के कार्य में जुड़े हुए हम बहनें जो हमें आध्यात्मिक शिक्षाएं मिलती है, उन शिक्षाओं को भी मैं आप सब के बीच में जरूर शेयर करना चाहूँगी। परमात्मा जो इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, उन्होंने आकर के हमें तीनों कालों का ज्ञान दिया। आप भी तीनों कालों का ज्ञान देते हो, लेकिन ईश्वर ने एक ऐसे श्रेष्ठ कर्म रूपी कलम हमारे हाथ में दी। बीते हुए कल पे हमारा अधिकार नहीं है, आने वाले भविष्य को आप बना सकते हो। वर्तमान में इतनी शक्ति है, बीते हुए कल के भारी पलड़े को भी वर्तमान के श्रेष्ठ कर्मों के बल से उस भारी पलड़े को भी आप हल्का कर सकते हो, उस वर्तमान के कर्म का फल आपके भविष्य को उज्जवल बनाएगा। तो वर्तमान की स्मृति देकर वर्तमान को सफल करने का तरीका बताया। वर्तमान आज जो हमारे पास है, तो हम जैसे हमारे पूर्व भ्राता रामनाथ जी ने कहा, जितना अच्छा सोच सकते हो, जितना अच्छा देख सकते हो, जितना अच्छे से अच्छा बोल सकते हो, जितना अच्छे से अच्छा कर सकते हो, वर्तमान की ये आपकी शक्तियाँ, जिस
जितना इन शक्तियों का सभी सदुपयोग करेंगे, आने वाले कल के बारे में चिंता करने की जरूरत है। भविष्य का आधार भविष्य में चिंता से नहीं, क्योंकि अक्सर हमारे पास जो आने वाले कुछ युवा पीढ़ी कहते हैं हमें भविष्य की चिंता, भविष्य की चिंता से भविष्य नहीं बनेगा, वर्तमान का सही यूटिलाइजेशन, वर्तमान का सही यूज करने से हमारा भविष्य बनेगा। वर्तमान को प्रेजेंट, प्रेजेंट कहा गया इंग्लिश में, प्रेजेंट मीन प्रेजेंट मीन एज ए गिफ्ट, वो प्रेजेंट के रूप में हमें मिला हुआ है। पास्ट मीन हिंदी में उसको भूत कहा गया, पास्ट बीत गया जिस पे आपका कोई अधिकार नहीं, प्रेजेंट जो आपको प्रेजेंट के रूप में मिला हुआ है, ऐसे 24 ब्लैंक चेक्स आपको मिलेंगे। रोज सवेरे उठते ही ईश्वर ने हम सबको 24 ब्लैंक चेक्स दे रहे हैं। उस ब्लैंक चेक्स को हम जितना अच्छा सोच करके भरेंगे, उतना मेरा वर्तमान भी सफल, उतना मेरा भविष्य भी उज्जवल बन जाएगा। आप सबका भी एक ही लक्ष्य है, समाज को सुख संपत्ति समृद्धि देना। क्या चाहते हो आप से? समाज को एक सुख में देखना चाहते हैं। तो परम पिता परमात्मा ने सृष्टि पे आकर के हमको वर्तमान और भविष्य को श्रेष्ठ बनाने की एक श्रेष्ठ कर्म की कलम दी, जिसे आप प्रकृति के साथ जुड़े थे। मैं कई बार देखती हूँ वास्तुविदों ने कहा कहीं पौधा रखने के लिए, कहीं कछुआ रखने के लिए, कहीं पांचों तत्वों को जोड़ने वाली हर चीज को जीवन की समृद्धि के साथ जोड़ करके, क्योंकि हमारा जीवन दो चीजों से बना, जीवन प्लस आत्मा, ह्यूमन प्लस बीइंग, दोनों के समन्वय को भी जीवन कहा गया है। एक चीज को हम साथ लेकर के जाएंगे तो बैलेंस नहीं बनेगा। तो स्पिरिचुअलिटी ह्यूमन प्लस बीइंग, जीव और आत्मा दोनों का बैलेंस लेकर के चलना सिखाता है। तो आत्मा के अध्ययन के साथ प्रकृति के पांचों तत्वों को एक साथ हम समन्वय बना करके कैसे रहे। हमारे से पूर्व वक्ता ने पांचों तत्वों का उल्लेख किया, तो भगवान ईश्वर ने भी हमको कहा पांचों तत्वों की विशेषता जो आपकी देन है, हम सब ने भी अभी इससे पहले दिया जलाया, दिया मानो दिया, दिया उसने क्या दिया, रोशनी दी, प्रकाश दिया। तो ये पांचों तत्व भी हम सबको दे रहे हैं। आज इस हॉल में भी हम बैठे हैं, आप आसपास की हर चीज को देखिएगा, वो भी आपको दे रही है। सोफा दे रहा, लाइट दे रहा, माइक दे रहा, हर चीज आपको दे रहा है। सिर्फ एक इंसान है जो ले रहा है। इसका कारण कहीं ना कहीं हम स्रोत से डिस्कनेक्ट हो गए। तो जब तक वो स्रोत से नहीं जुड़ेंगे, तब तक लेने वाले बने रहेंगे। ये लाइट इसीलिए दे रहा, पावर हाउस के साथ कनेक्शन जुड़ा हुआ है। तो पावर हाउस से जहां डिस्कनेक्ट होगा, ये भी देना बंद करेगा। तो आप और हम सबको ईश्वर ने संसार में देने के लिए तो भेजा है। तो पांचों तत्वों को भी क्यों देवता कहा गया, वो भी देने का काम कर रहे हैं। तो पांचों तत्वों के साथ जब तक हम समन्वय नहीं बनाएंगे, तो हमारा जीवन का एक बैलेंसिंग नहीं बन पाएगा। तो जैसे पांच तत्व है, तो पांचों तत्वों के पांच गुणों का स्वरूप बन जाए, यही तो स्पिरिचुअलिटी है। सबसे पहले धरती एक बीज डाल दिया जाता है, तो क्या करेंगे, अनेक बीज का अनेक गुणा के रूप में देने का कार्य। धरती जैसे विशाल देने की प्रवृत्ति जब इंसान अपने जीवन में धारण कर लेगा, उस प्रकृति के साथ समन्वय। जल तत्व कितना भी आप आग के संपर्क में लाओ, 5 मिनट के बाद क्या हो जाएगा, आग से डिस्कनेक्ट हो गया, वो आपको शीतलता ही देगी।
लोटे में डालो, लोटे जैसा घड़े में डालो, घड़े जैसा, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी, इतना एडजस्टिंग पावर है। तो आज समाज में हमारे रिलेशंस ब्रेक क्यों हो रहे? वो जल तत्व जैसे हमारे गुण समाप्त होते चले जा रहे, कारण हमारे अंदर वो फ्लेक्सिबिलिटी, हमारे अंदर वो एडजस्टिंग पावर, वो समाप्त होने के कारण मैंपन का अभिमान अहंकार जो टकराव रहते हैं। तो क्यों ना हम उस जल तत्व के समान अपने अंदर ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी, ऐसी शीतलता का गुण, ऐसे एडजस्टिंग पावर धारण कर ले। तीसरा तत्व वायु, जो कि हल्का हल्का वायु क्या करता रहता है, सब चारों तरफ बिखेरा हुआ है, हल्की चीज। आज थोड़ा सा हम अपने मन को झांक करके देखें, क्या मैं अपने मन को ऐसा हल्का बना सकती हूँ? किन किन बातों को हमने अपने मन में पकड़ रखा है, आज मेरा मन भारी है। वेट करके देखो, कल जितना वेट था यहाँ आज भी मेरा वेट उतना है। हम भारी कहाँ से हो रहे? कहीं और से, फिजिकली एज इट इज है, भारी कहाँ से हो रहे? मन में न जाने किन किन पास्ट की बातों को लेकर के 10 साल पहले, 20 साल पहले, 2 दिन पहले, 8 दिन पहले मेरे शरीर के हिसाब से मैं आज संडे, आज हमारा 21 तारीख का दिन है, मैं 21 तारीख में हूँ, मन से मैं कहाँ हूँ? 4 दिन पहले, 8 दिन पहले, 10 दिन पहले। तो जब तक मेरे मन और तन में समन्वय नहीं बैठेगा, मेरे जीवन का सफर में एंजॉय नहीं, तो सफरिंग करते रहेंगे। सफर को सुहाना बनाना है तो दोनों का समन्वय बिठाना बहुत जरूरी है। तो वायु के समान अपने मन को हल्का करना, आकाश के समान बेहद, जिधर देखते हो कहते बड़ा दिल बेहद का दिल, ऐसा हम अपने दिल को बना दे जिसमें वसुधैव कुटुंबकम की हमारी भावना, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति जो हमें मैसेज देती है, और सूर्य के समान, प्रकाश के समान हमेशा रोशनी देना। सूरज जल करके दूसरों को रोशनी देता है। तो ऐसे 5 तत्वों के 5 गुणों को भी अलग से तत्वों को हम धारण करने की जगह 5 तत्वों के 5 गुणों को धारण करके, इन गुणों का जब समन्वय बना करके चलेंगे तो हमारा जीवन अवश्य ही क्या बनेगा, सुखमय संसार। जो हम वर्तमान अपने जीवन को भी ऐसा श्रेष्ठ बनाएंगे, हमारे संपर्क में आने वाले लोगों को भी एक ऐसा मैसेज, ऐसा संदेश हमेशा देने की प्रवृत्ति। तो इसलिए हमारे यहाँ जितनी भी देवी देवताओं के मंदिर में आप जाकर के देखिएगा, कभी उनका हाथ यूं नहीं होता, हमेशा हाथ देने वाला। ये हमारे भारत की पुरातन संस्कृति है। आप और हम सबको ईश्वर ने जब बना करके भेजा था, लेने वाले नहीं, देने वाले बना करके, कहीं ना कहीं देते देते हम खाली हो गए हैं। अब हम लेने की प्रवृत्ति हो गई है। अब परमात्मा का फिर से संदेश है हम सब आत्माओं के प्रति, इस धरती के हम सब चैतन्य सितारे हैं, हम क्यों ना आज के सभा में उम्मीदवार सितारे, सफलता के सितारे, अपने उम्मीदों को, हमारे संपर्क में आने वालों की उम्मीद जगा, हमारे संपर्क में आने वालों को सफलता मिल जाए, ऐसी भावना, ऐसी शुभकामना लेकर के चलेंगे तो अवश्य आज का जो एक कार्यक्रम का आयोजन का उद्देश्य अवश्य पूरा होगा। ऐसी शुभकामनाओं के साथ आज इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले आयोजकों का मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। ऐसे महान विभूतियाँ, एक श्रेष्ठ विचारक मैं देख रही हूँ, 2 घंटे से लगातार एक संकल्प के साथ, शुभ भावनाओं के साथ चक्र बन करके एक एक सितारे चमक रहे हैं। सामने से देख रहे सबकी चमक और बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं शुभ विचारों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहती हूँ। अंदर तक छू लेने वाला,
बहन जी ने हमें उसका ज्ञान दिया। जानते हम बहुत कुछ हैं लेकिन पता नहीं होता। पता तब चलता है जब कोई बताता है। तो बहन जी के लिए हमें एक बार योगिनी ब्रह्मा कुमारी राधा बहन जी तुम्हारी और जगतकारी संचालिका ब्रह्मा कुमारी गोमती नगर लखनऊ से हमारे मिलते हैं, जिन्होंने हमें ज्ञान का संदेश दिया है, प्रेम का संदेश दिया है, उनके लिए भी एक छोटा सा सम्मान करते हैं।